रुड़की, ब्राह्मण उत्थान महासभा हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करेगी। इस महाकुंभ में विभिन्न प्रदेशों से समाज के लोग एकत्र होंगे और समाज के उत्थान के लिए चर्चा करेंगे। तैयारियों को लेकर रुड़की में समाज के लोगों की बैठक हुई और इस दौरान भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा का स्वागत किया गया। रुड़की में पूर्व राज्य मंत्री के कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा भाजपा में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान महासभा के प्रदेश महासचिव रिटायर्ड पुलिस अधिकारी गोविंद बल्लभ पांडेय ने बताया कि महासभा द्वारा 24 सितंबर 2023 को हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि इस महाकुंभ में समाज की समस्याओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार से मांग की जाएगी कि परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। मंदिरों के पुजारी जिनके परिजनों की कोविड में मृत्यु हुई या वह बेरोजगार हुए, उन्हें आर्थिक मदद की जाए। इसके साथ ही मांग रहेगी अखिल भारतीय स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समाज के वरिष्ठ लोगों के पास जाकर उनका आशीर्वाद और सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मनोहर लाल शर्मा समाज के वरिष्ठ हैं, इस महाकुंभ में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा ने कहा, ब्राह्मण महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। इस महाकुंभ में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन के बाद समाज में नई ऊर्जा आएगी। मैं ब्राह्मण उत्थान सभा उत्तराखंड का प्रदेश महासचिव हूँ और ब्राह्मण उत्थान महासभा उत्तराखंड एक ब्राह्मण महाकुंभ कराने जा रही है, जो 24 सितंबर आने वाले 24 सितंबर को हरिद्वार में संपन्न होगा। उसमें हम लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मणों का एक महासम्मेलन कर रहे हैं। उसमें ब्राह्मणों को इससे संबंधित समस्याएं और उसमें जो भी अन्य बातें होंगी उन पर विचार किया जाएगा। आज मैं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से आशीर्वाद लेने आया था और आपको अभी से आमंत्रित करने आया था कि आप 24 सितंबर को जो हमारा महाकुंभ होने वाला है उसमें आप आएंगे और अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद देंगे। सर, इसमें कहाँ कहाँ से आ रहे हैं जो समाज? इसमें संपूर्ण भारत से, हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से हम लोगों के पास उनके आने की सहमति मिल गई है। वहाँ के जितने ब्राह्मण संगठन हैं उनके द्वारा अपनी सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य, इसमें बहुत सारी मांगें हैं हमारी जो कि सरकार से करनी। एक तो हमें परशुराम उत्तराखंड में जो परशुराम जयंती है उसके दिन उसमें अवकाश का हमको बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हमें परशुराम जयंती, जो हमारे आराध्य देव हैं परशुराम जी, उनके जन्मदिन पर हम चाहते हैं उनके जन्मोत्सव पर उत्तराखंड में अन्य जिन महापुरुषों के उसमें अवकाश घोषित किया गया है इसमें भी एक अवकाश घोषित किया जाए। इसके अलावा देखिए, ब्राह्मण जो हमारे मंदिरों में जो पुजारी हैं, पंडे हैं, इनको कोविड के दौरान ये बेचारे बिल्कुल एकदम, इनको कोई पूछने वाला नहीं था, न इनको मंदिर बंद हो गए, इनके आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया। हमारा कहना है कि उनको उस दौरान उनके परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हुई या जो लोग इसके तहत बेरोजगार हो गए थे, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, उनको सरकार कंपनसेट करे, उनके बारे में सोचे। और हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि अखिल भारतीय स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। उसमें हम लोग और भाई कई सारी बातें हैं जो हमारे जो सम्मानित लोग हैं जैसे आप हैं, तो आप जो भी हमें और बातें कहेंगे उसमें बातें चलती रहेंगी, तब बाद में उसको आगे आप लोगों को बताया जाएगा। महाकुंभ का आयोजन जो करने की बात आपने बताई है उसमें पूरे उत्साह के साथ पूरे ब्राह्मण समाज को जोड़ा जाएगा और प्रदेशों से जो आने वाले ब्राह्मण और सबके ठहरने की, भोजन की उचित व्यवस्था की जाएगी और बड़ा कार्यक्रम सम्मान किया जाएगा। इस सम्मेलन के लिए सबसे पहले तो मैं पांडे जी को बहुत शुभकामना देता हूँ जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है सम्मेलन करने का, और सम्मेलन की सफलता की शुभकामना श्री पांडे जी को और इनकी सभी पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि सम्मेलन सफल हो और उसमें कुछ राजनीतिक उपलब्धियां भी हों सरकार से। जैसा आपने बताया कि हम कुछ सरकार से भी उसमें मांग करेंगे, तो वो सब भी मांगे भी सरकार माने, उसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे और वो मांगे मनवाई जाए। वो तो इस दौरान विचार करने में जो चीज़ें आएंगी वो रखी जाएंगी। परशुराम जी का तो ऐसा मान्य वो है कि उसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता।